दिल्ली आबकारी नीति में कथित कौभांड मामलों दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीबीआई सामे थशे रजू। दिल्ली पुलिस सीबीआई ऑफिस आसपास लगावी कलम 144 धरना प्रदर्शन करनार विरुद्ध कराशे सखत कार्यवाही। उत्तर प्रदेश ना माफिया अतीक अहमद और एना भाई अशरफ की हत्या। हत्या बाद उत्तर प्रदेश ना तमाम जिलाओं में कलम 144 लागू। घना जिला में आंशिक रूपे इंटरनेट सेवा बंद। परस्पर बेदरकारी बदल 70 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घटना की तपास माटे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र और गोवा प्रवासे। गृहमंत्री रायगढ़ में महाराष्ट्र विभूषण एनायत करने एक कार्यक्रम में आपसे हाजरी। गोवा में एक रैली ने करते संबोधित। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चूंटणी माटे उम्मेदवारी नोंधावानी प्रक्रिया तेज। भाजपे 112 ने कांग्रेसे 209 उम्मेदवारना नामनी अत्यार सुधी करी जाहेरात। राज्य में 10 मेना रोज योजाशे मतदान। विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आज थी क्रोएशिया ने स्लोवेनिया प्रवासे। बन्ने देश साथे द्विपक्षीय मामले संबंध मजबूत करवा करशे प्रयास। साथे ज क्रोएशिया ने स्लोवेनिया में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पण लेशे भाग। अमदावाद और सूरत महानगर में आउटग्रोथ विस्तार में वधशे शहरी जनसुखाकारी। रूपया 214 करोड़ विकास कार्यों ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की सैद्धांतिक मंजूरी। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अन्वय लेवायो निर्णय। पचास करोड़ खर्चे बनेल हाटकेश्वर ब्रिज तोड़ी पड़ाशे। ब्रिज तोड़वानो अने नवो बनावानो खर्च भोगवशे कॉन्ट्रेक्टर। एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट में नबरी क्वालिटी आवी सामे। कॉन्ट्रेक्टर ने पीएमसी कंपनी सामे खोखरा पुलिस स्टेशन में नोंधवामां आवी फरियाद। गुजरात में वधशे गरमी। 17-18 एप्रिले अमदावाद में येलो एलर्ट। 19 एप्रिले राज्य में छूटा छवाया वरसाद की संभावना। आगामी 4 दिवस सूकू रहेशे समग्र गुजरात नू वातावरण। અને આઈપીએલમાં આજે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો મુકાબલો કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ સાથે। ગુજરાત ટાઇટન્સનો મુકાબલો રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે। ગઈકાલે પંજાબ કિંગ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 2 વિકેટે હરાવ્યું તો બેંગ્લોરે દિલ્હીને 23 રને હરાવ્યું।